हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में? ऑल गुड? सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे खुश हैं, हेल्दी हैं? मिस भी ठीक है, घर पे सब ओके? वेरी गुड, अच्छे अच्छे। इस टाइम क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सब मज़ा ले रहे हैं मौसम का, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम मुझे तो बहुत पसंद है। आप सबको भी मज़ा आ रहा है इतने अच्छे मौसम में? वेरी गुड, लेकिन सेफ रहना है, ठीक है? वेरी गुड। और बताइए, स्कूल मिस कर रहे हैं? मिस को मिस कर रहे हैं? मिस आप सबको मिस कर रही है। और बच्चों, आज हम क्या करें? पहले आज हम हमेशा की तरह पहले व्यायाम करें, ठीक है? उसके बाद कविता हमेशा की तरह, और उसके बाद आज की लेसन, ठीक है? तो शुरू करें आज की एक्सरसाइज व्यायाम। आज हम सीखेंगे हाथों का व्यायाम, जो पीछे की तरफ रोटेट करना है। हमारा हाथ सीधा रखेंगे, शोल्डर को टच करेंगे, और इस बार हम बाहर की तरफ हाथ को रोटेट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ये हमने आज के व्यायाम में हाथ को बाहर की तरफ रोटेट किया। एक बार और करेंगे, हाथ को सीधा करो, शोल्डर को टच करो, और हाथों को पीछे की तरफ ले जाके बाहर की तरफ रोटेट करना है। फिर से ऐसे ले जाके बाहर की तरफ घुमाना है। रोटेट करना मतलब घुमाना, बाहर की तरफ घुमाना है। फिर से ऐसे ले जाके बाहर की तरफ घुमाएंगे। तीन, चार, पांच। फिर हाथों को धीरे धीरे सीधा कर देंगे और नीचे ले जाके ढीला छोड़ देंगे। तो ये थी हमारा आज की एक्सरसाइज, आज का व्यायाम। था ना आसान? तो आप सब प्रैक्टिस करेंगे। रोज सुबह उठ के पहले हेल्दी दूध पियेंगे, ठीक है? उसके बाद व्यायाम करेंगे। वेरी गुड। और अपने दांतों को भी क्लीन रखना है, सुबह उठ के अच्छे से ब्रश करना है। ये है मिस का आज का मैसेज, क्योंकि कुछ बच्चे बचपन में दांत साफ करने में लापरवाही करते हैं, जिससे हमारे दांतों में बहुत जल्दी कैविटी हो जाती है और दांत खराब होने लगते हैं। तो दांतों को भी स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? अच्छे से ब्रश करना है। थोड़ा अच्छे से उसको टूथपेस्ट पे लगा के बहुत देर तक क्लीन करना है। ऐसे नहीं फटाफट मुंह में डाला, ऐसे ऐसे किया और आधा। तो कुछ बच्चों को इतना टेस्ट पसंद आता है टूथपेस्ट का कि वो खा लेते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना कि टूथपेस्ट खा लेते हैं दांत क्लीन करने के बजाय। तो दांतों को अच्छे से क्लीन करना है, ब्रशिंग करनी है। ये भी हमारे स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। हमारे दांतों को क्लीन रखना भी हमारा अच्छे स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। जिस तरह हम व्यायाम करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, ऐसे ही अच्छे से ब्रश करना, अपने दांतों को स्वस्थ रखना, कैविटी यानी कीटाणु से बचाना है। यह है मिस का आज का बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों के लिए, ठीक है? कि सबको बहुत अच्छे से अपने दांत यानी टीथ क्लीन रखने हैं, और हो सके तो रात को सोने से पहले जब आप डिनर कर लेते हैं तो बेड में जाने से पहले भी एक बार अपने दांत ज़रूर ब्रश से क्लीन करें और फिर सोने के लिए जाएं, ठीक है? प्रॉमिस? वेरी गुड। ये है मिस का आज का मैसेज अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अगले व्यंजन की कविता गाएंगे, और पहले मिस आपको बताएगी कि आज का हमारा व्यंजन क्या है। आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन ट। आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन ट। मैं आपको पहले पुस्तक में दिखा देती हूँ ताकि आप सबको पता चले कि हमारा आज का व्यंजन क्या है। ये है पृष्ठ नंबर 15, जो कि हमारी पुस्तक सबको पता है, जैसा कि हिंदी मेरा पहला कदम। हिंदी मेरा पहला कदम के पृष्ठ 15 में दिया गया है, पृष्ठ 15 में दिया गया है व्यंजन ट। व्यंजन ट।
व्यंजन ट। ठीक है, तो आज हम ट व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ट से आज की कविता बताती हूँ। आज मैं आपको ट से कविता गाएंगे मेरे साथ सब बच्चे ट से, और इस पे भी ट से आपका फेवरेट वेजिटेबल है जो आप सबको बहुत पसंद लगता है और हर उम्र के लोगों को पसंद लगता है, बच्चों को बड़ों को सब बड़ी मज़े से खाते भी हैं, और हर वेजिटेबल को करने के लिए ये यूज़फुल होता है, इसके बिना कोई भी वेजिटेबल कंप्लीट नहीं होती है। तो बताओ बूझो तो जानू क्या है ये, आप सब बताओ बूझो। हाँ राइट, बच्चे बहुत स्मार्ट है मेरे। ट से लाल लाल टमाटर, ट से लाल लाल टमाटर, ट से टमाटर। तो यही आज का हमारा अभ्यास है, आज का हमारा नया लेसन है व्यंजन ट। ट से टमाटर, 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 ट से टमाटर। तो टमाटर की कविता सुनाऊं मज़ेदार आप सबको, चलो बोलो मिस के साथ। कविता का शीर्षक, द टाइटल ऑफ द पोयम इज टमाटर, द टाइटल ऑफ द पोयम इज टमाटर। ट से होता लाल टमाटर, ट से होता लाल टमाटर, लाल रंग होता सुंदर, लाल रंग होता सुंदर। सूप और सब्जी कुछ भी पकाओ, सूप और सब्जी कुछ भी पकाओ, या इसे कच्चा ही खाओ, या इसे कच्चा ही खाओ। इसको क्योंकि कच्चा भी खाते हैं, लेकिन वॉश करके खाना है। पहले पानी से अच्छे से वॉश करो, फिर कटिंग करो, फिर चाहिए किसी किसी को सॉल्ट पसंद आता है तो थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालो यानी नमक डालो, और उसके बाद इसको मज़े से खाओ। ये है हमारी आज की टमाटर की कविता जो आप सबको बहुत पसंद है, और टमाटर मुझे भी बहुत पसंद है ना। मज़ेदार कविता, वेरी गुड, सबको मज़ा आया, सबने एंजॉय किया। चलो फिर मिस के लिए क्लैप करो, मिस आप सबके गाने के लिए क्लैप कर रही है। ठीक है, तो अब हम आज का आपको शब्द बताएंगे कि ट व्यंजन से कौन कौन से शब्द होते हैं। दो शब्द तो हमारी पुस्तक में ही दिए गए हैं पृष्ठ 15 में, यहाँ जब आप पुस्तक खोलेंगे तो एक तो हमारा टमाटर ही है लाल लाल, ट से टमाटर जो मिस ने अभी बताया, और ये दूसरा चित्र है ट से, क्या है मैं बताऊँ, ट से टब, ट से टब, ट से टब, ट से टब, ट से टब। तो पहला चित्र टमाटर का है और दूसरा चित्र टब का है, ट से टब, जो कि हम अपने बाथरूम में रखते हैं, उसमें पानी भर के रखते हैं, है ना। तो ट से टब, समझे। पहला हमारा ट शब्द क्या था, टमाटर, और दूसरा शब्द क्या था, ट से टब। अब मिस आपको बताएगी कि ट से तीसरा शब्द, ट व्यंजन से तीसरा शब्द कौन सा है। ट से तीसरा शब्द है टाई, तीसरा शब्द है टाई, ट से टाई, तीसरा शब्द है टाई। चलो मिस के साथ बोलो, ट से टाई, ट से टाई, ट से टाई, ट से टाई, ट से टाई। टाई आप सबने पापा को पहन के जाते हुए देखा है ऑफिस, शर्ट के ऊपर ऐसे कॉलर में डाल के टाई करते हैं, वेरी गुड, हाँ उसे कहते हैं टाई। तो ये था हमारा ट से शब्द टाई। अब मैं आपको बताती हूँ अगला शब्द, ट व्यंजन से अगला शब्द है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो सबके घर में होती है, किसी के बेडरूम में, किसी के हॉल में, या फिर दोनों जगह पे घर में उजाला करने के लिए लगाई जाती है, आप सबको पता है ट से ट्यूबलाइट। चलो बोलो मिस के साथ,
पहले 5 बार क्लैप करो, 1, 2, 3, 4, 5। अब बोलो मिस के साथ, ट्यूबलाइट 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 ट्यूबलाइट। ठीक है, तो ये था हमारा अगला शब्द। अब मैं आपको एक और शब्द बताती हूँ, ट से टैक्सी। टैक्सी में सब लोग जाते हैं बाहर, कहीं किसी को दूर जाना होता है तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए हम टैक्सी लेते हैं। आप सबको भी पता है अपना वेरी गुड वाहन है जिसमें हम कहीं भी दूर जाने के लिए या नज़दीक जाने के लिए भी हम टैक्सी में बैठ के जाते हैं। तो ट से टैक्सी। समझा? वेरी गुड। अब मैं आपको पुस्तक के नीचे जो अगला अभ्यास दिया है वो बताती हूँ, लेकिन वो बताने से पहले सब मेरे बच्चे क्लैप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारी पुस्तक के जो ये ट शब्द के अभ्यास का पेज है, इसमें नीचे दिया है ट के साथ ओ, ओ स्वर है और ट व्यंजन है, तो दोनों को मिला के क्या बना, ओट। क्या बना? ओट। ओट का मतलब होता है कि जैसे हम किसी भी बड़ी चीज़ के पीछे छुप जाते हैं, या कोई भी बड़ी चीज़ के पीछे कोई छोटी वस्तु छिप जाती है। जैसे यहाँ चित्र में दिया है, ये बड़ा पेड़ है और पेड़ के नीचे पीछे की तरफ ये बच्चा छुप गया है, तो पेड़ की ओट में छिपा है ये, मतलब पेड़ के पीछे पेड़ के साए में पिछली तरफ छिप गया है, तो उसको बोलते हैं ओट। क्या बोलते हैं? ओट। पेड़ की ओट में छिपना, पेड़ की ओट में छिपना, तो वो पेड़ की ओट के पीछे छिप गया है। तो ये है हमारा ट व्यंजन, और ओ स्वर के साथ जब पीछे ट लगा दो तो बन जाता है ओट। बोलो मेरे साथ, ओट ओट ओट। तो ओट का मतलब समझ आया आप सबको? ओट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। है ना आसान? इसी तरह ट लिखना भी बहुत आसान। बच्चों अब देखेंगे आज का व्यंजन ट कैसे लिखते हैं। ये है ट, ट से टमाटर, ट से टब। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं ट कैसे लिखना है। ये है व्यंजन ट। पहले एक आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन, ऐसे, फिर एक सीधी रेखा ऐसे यहाँ तक, फिर जैसे आप ABCD में सी लिखते हैं, आप सबको पता है ना सी कैसे लिखते हैं, सी की तरह आधे चांद की तरह ऐसे घुमाएंगे, जैसे आधा चांद बनाया है ऐसे, तो ये बन जाएगा व्यंजन ट। एक बार और देखेंगे, आड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन, और फिर आधा चांद ऐसे घुमाते हुए आधे चांद की तरह यहाँ तक ले आके यहाँ छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा व्यंजन ट। और इसी तरह आप डॉट्स के ऊपर भी, छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर भी ट लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बोर्ड पे, इसके ऊपर ऐसे रेखा को जोड़ते हुए आड़ी रेखा बनाई, फिर बिंदुओं को जोड़ते हुए सीधी रेखा बनाई, फिर ऐसे जोड़ते हुए आधा चांद बनाते हुए रेखा को नीचे ले गए ऐसे, और यहाँ तक ले जाके छोड़ दिया। तो ये जब हम ऐसे बिंदुओं के साथ लिखेंगे तो आपको जल्दी सीख जाएंगे कि व्यंजन ट कैसे लिखना है। आप ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे बिंदु बना के पुस्तक में उस पर भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया व्यंजन ट। व्यंजन ट ऊपर ऐसे रेखा को जोड़ते हुए आड़ी रेखा बनाई, फिर बिंदुओं को जोड़ते हुए सीधी रेखा बनाई, फिर ऐसे जोड़ते हुए आधा चांद बनाते हुए रेखा को नीचे ले गए ऐसे, और यहाँ तक ले जाके छोड़ दिया। तो ये जब हम ऐसे बिंदुओं के साथ लिखेंगे
तो आपको जल्दी सीख जाएंगे कि व्यंजन ट कैसे लिखना है। आप ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे बिंदु बना के पुस्तक में उस पर भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया व्यंजन ट, व्यंजन ट। देखा बच्चों, ट लिखना कितना आसान था, बहुत ही ज़्यादा इजी था ना। वेरी गुड। तो थोड़े थोड़े समय पे जब खेल कूद हो जाए तो थोड़ा समय निकालेंगे और ट लिखने का अभ्यास करेंगे। वैसे तो सब बच्चे अच्छे से हिंदी सीख रहे हैं और बाकी सब भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई होमवर्क सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ट लिखने का अभ्यास करेंगे। ट लिखना बहुत ही आसान लगा ना सबको, मस्ती मस्ती में सीख गए, वेरी गुड। लेकिन अभ्यास फिर भी करना है, क्योंकि अभ्यास करने से हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो जब आप हिंदी लिखेंगे और रोज़ रोज़ लिखेंगे और वही व्यंजन और स्वर लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, आप और सुंदर सुंदर लिख सकेंगे और अभ्यास भी हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी। ठीक है, ओके, प्रॉमिस, बाय।